खंभा से लिपटे तार में करंट उतरने से 6 वर्ष के मासूम की मौत, ग्रामीणों ने रोड पर लगाया जाम। जालौन जनपद में 4 दिन पहले भी एक युवक 11,000 लाइन की चपेट में आ गया था, सूचना का असर नहीं देखने को मिला। गोंद से गोरा की लाइन पर तार लटक रहे हैं, जहां पर मयंक उमर 6 वर्ष पिता दिलीप कुमार निवासी बरहा कोतवाली ओरई जो बुआ के यहां पर आया हुआ था। एसडीएम माधोगढ़ सालिग्राम थाना अध्यक्ष राजीव कुमार बैस ने मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाया, परंतु लोग बिजली विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों को बुलाने पर अड़े रहे। लोगों का कहना है कि यह चौथा हादसा है। पहले भी 11,000 लाइन निकली है जो गोहन से गोरा के लिए गई है, उसमें भी हादसा हुआ था, एक लड़का खत्म हुआ था 10 दिन पहले, उसकी भी कोई मतलब ही नहीं है किसी को। लाइन की स्थिति ये है कि आप इंटरेस्ट नहीं लेता, सीधी बात ये है, कोई इंटरेस्ट नहीं लेता है, इंटरेस्ट नहीं लेता प्रशासन, ना कोई चीज इंटरेस्ट नहीं लेता सीधी। हमारा उद्देश्य ये है कि ग्राम पंचायत कासिमपुर गोहन में जो आए दिन विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से जो आए दिन मौतें हो रही हैं, कभी किसी बच्चों की, कभी किसी इंसान की, कभी कोई जानवर यहाँ से लाइट चिपक के मर रहा था, हम उसके उपलब्ध मतलब उसकी वजह से हमने जाम लगाया कि यहाँ पे कोई विद्युत विभाग का बड़ा सा कर्मचारी है जो हमें आज भी एक हादसा हुआ है। आज भी एक लगभग 7 साल का 6 साल का बच्चा है, उसकी पोल में करंट आने के कारण मृत्यु हुई है। जब तक बिजली नहीं आएगी उसी के विरोध में ये जाम लगाया हुआ है, और अभी तक कोई बिजली विभाग का कोई अधिकारी नहीं आया, तो जाम भी नहीं खुलेगा। कोई अधिकारी नहीं आया तीसरी चौथी